माँ ज्वाला धाम उचेहरा में भव्यता के साथ निकाला गया ज्वारा जुलूस। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत विश्वविख्यात ज्वाला धाम उचेहरा में आज बड़े ही भक्तिभाव के साथ ऐतिहासिक ज्वारा जुलूस पूरे उचेहरा नगर को भ्रमण करते हुए विसर्जन किया गया। इस पर्व के दौरान माँ ज्वाला धाम में सर्वप्रथम माँ काली की पूजा आराधना करने के पश्चात ज्वारे कलश को पूरे सनातनी रीति रिवाज के साथ कर गांव में भ्रमण करते हुए गाजे बाजे के साथ माँ काली के नृत्य के साथ बड़े ही भव्यता एवं भावनाओं के साथ ज्वारा जुलूस का विसर्जन किया गया। हम आपको बता दें कि हजारों की तादाद में देश प्रदेश से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों में काफ़ी भक्ति भाव विभोर हो उत्साह में लीन, जिससे सभी भक्तगण भाव विभोर हो उठे। गौरतलब है कि इस रामनवमी के महापर्व के दौरान जबलपुर से आए हुए कलाकारों के द्वारा माता रानी के दरबार में आज देवी जागरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। उल्लेखनीय है कि इन सब कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस विभाग की टीम चाक चौबंद व्यवस्था रही एवं पुलिस की देखरेख में माँ ज्वाला धाम के ज्वारे विसर्जन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। रामनवमी के इस पावन पर्व में आज कलश ज्वारा विसर्जन जुलूस सम्पन्न हुआ। भक्तजन मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश बल्कि विदेश से आए और अपने अपने मुरादे के अनुसार कलश ज्वारा विसर्जन के कार्यक्रम में सहयोग किए। रात्रि में देवी जागरण के कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें बाली ठाकरे एवं रिचर्ड खान जबलपुर से आएंगी, जो कार्यक्रम को अपनी प्रस्तुति देंगी। पुलिस प्रशासन का अच्छा सहयोग है, शासन प्रशासन का सभी का सहयोग है, कमेटी शासन प्रशासन गांव जो भी माँ से जुड़े हुए भक्तजन है सभी का अच्छा सहयोग है और सभी के सहयोग से ही कार्यक्रम संपन्न होते हैं। के शर्वानी हैं, मैं बिरसिंहपुर पाली से आई हूँ। आज यहाँ माता देवी माता का जागरण है रात पे और यहाँ बहुत श्रद्धालु भक्त आते हैं, बाहर छत्तीसगढ़ दूर दराज से लोग सभी को ही आए हुए हैं, ये देश विदेश से। आज जवारे का विसर्जन है रामनवमी के उपलक्ष में और यहाँ लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आते हैं। क्या कुछ महसूस कर रही हैं यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा भव्य लोग ही भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने का। शासन प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं? बहुत अच्छी है व्यवस्था यहाँ की। हम यहाँ नवरात्रि में पूरे 9 दिन भंडारे होते हैं। प्रशासन की क्या कुछ है? अच्छी यहाँ व्यवस्थाएं, लोग एक दूसरे का ध्यान दे रहे हैं। आज यहाँ पर ज्योति कलश और जवारे का विसर्जन यहाँ किया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी तरह व्यवस्था लगाई गई थी और यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पिछले दिनों से लोग आ रहे थे। आज भी यहाँ पर कंटिन्यू लगभग 8 से 10 हज़ार लोग कंटिन्यू हो गए हैं और अभी भी लोग आते जा रहे हैं, तो भीड़ लगी हुई है। जी सुनाई दीजिए। नहीं, यहाँ व्यवस्था की गई है, यहाँ पूरी लाइन लगाई गई है, हमारे द्वारा अलग अलग पुरुष और महिला की अलग अलग लाइन लगाई गई है और सबको व्यवस्थित तरीके से निकाला जा रहा है और भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है मंदिर के अंदर। देखिए, जैसे आप लोग विदित है कि माँ चेहरा धाम का जवारा जुलूस विसर्जन रामनवमी के अगले दिन होता है, तो उसी तारतम्य में आज यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हुई है, जहाँ पर हमारे पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं और पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक महोदय उमरिया ने उपलब्ध कराया है और रात में देवी जागरण भी है, तो हम लोगों का जुलूस के आगे पीछे दाएँ बाएँ और विसर्जन स्थल पर बल अलग अलग बल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमारे माइक 3 महोदय SDOP उमरिया भी जुलूस विसर्जन में उपस्थित है और जुलूस विसर्जन पश्चात रात जागरण प्रोग्राम होगा, उसमें पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था लगी हुई है। माता रानी की कृपा से शांतिपूर्वक सभी कार्य संपन्न होंगे।